में चुनाव है, इसको लेकर सभी पार्टियां चुनावी मैदान में कूद चुकी हैं। लगातार चुनावी जनसभा को संबोधित करने में पार्टियां जुटी हुई हैं। इस बीच पीएम मोदी 23 अक्टूबर से चुनावी रैली करने जा रहे हैं। इस रैली में पीएम मोदी के मंच पर एनडीए के कई नेता मौजूद रहेंगे, लेकिन इन नेताओं को मंच पर जाने से पहले कोरोना टेस्ट से गुजरना होगा। कोरोना टेस्ट रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद ही नेताओं को मंच पर साथ में बैठने का मौका मिलेगा। इसको लेकर प्रधान सचिव के निर्देश रैली स्थल के वीआईपी एरिया में तैनात सभी पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों और पीएम संग मंच साझा करने वाले लोगों की दो बार जांच से गुजरना होगा। प्रत्यय अमृत ने भागलपुर समेत कई सिविल सर्जन को पत्र भेजा है। मंच पर बैठने वाले लोगों का 22 अक्टूबर को आरटीपीसीआर मशीन से कोरोना जांच होगा। रैली में शामिल होने वाले सभी लोगों का स्क्रीनिंग कराया जाएगा। अगर कोई भी संदिग्ध लगा तो उनकी एंट्री सभा में नहीं होगी। सभा में आने वाले सभी लोगों का मेन गेट पर हैंड सैनिटाइज कराया जाएगा। बिना मास्क रैली में किसी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। यही नहीं, मंच निर्माण करने वाले मजदूरों का भी टेस्ट कराया जाएगा।